हेलो फ्रेंड, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फुल एजुकेशन सपोर्ट में। हम यहाँ बच्चों को उनका करियर गाइडेंस और काफ़ी लेक्चर्स देते हैं कॉमर्स साइंस। अभी धीरे धीरे करके हमारे चैनल में सारे वीडियोस आ रहे हैं। तो हम आप आज बात कर रहे हैं करियर इन एडवर्टाइजमेंट। तो काफ़ी 12th और 10th के बच्चे अभी जो पास हो गए अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कोई सब लोग सोचते हैं साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के सिवा कुछ है नहीं, बट काफ़ी कोर्सेस अवेलेबल है इंडिया में। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज अपना, ये हम लोग के प्लेलिस्ट में जाएगा, आप चेक कर लेना वहाँ, तो वहाँ काफ़ी वीडियोज़ आने वाले हैं और करियर से रिलेटेड। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट। तो आपको कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, व्हाट डिग्री डू यू नीड टू वर्क इन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले कोई भी बैचलर डिग्री जो किसी एडवर्टाइज जिसमें एक ना एक सब्जेक्ट एडवर्टाइजिंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, आप वैसी बैचलर डिग्री करके आप एडवर्टाइजमेंट कंपनी या एड एजेंसी में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप BMM कर लो, बैचलर इन मास मीडिया, ये बहुत इजी वे है एडवर्टाइजमेंट फील्ड में घुसने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई वी शुड ज्वाइन एडवर्टाइजमेंट फील्ड, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी ऐसा नहीं है, लिमिटेड नहीं है, हर कंपनी को हर अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। जैसे हम लोग को खाने के लिए खाना चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए खाना और पीना चाहिए, वैसे ही हर बिज़नेस को अभी एडवर्टाइजमेंट चाहिए ही चाहिए, वरना वो बिज़नेस नहीं माना जाएगा। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के बिना कोई भी प्रोडक्ट अभी पब्लिक लेना पसंद नहीं करेगी, सोचेगी यार इसका तो कुछ एडवर्टाइजमेंट करती नहीं, ये कुछ करती नहीं, ये किसका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा। और पब्लिक को भी कैसे पता चलेगा जब हम लोग एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे। स्कोप इन एडवर्टाइजमेंट, जब आप ये इतना बड़ा स्कोप हो चुका है ना कि आप देखोगे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या पूरा ओल्ड प्लेटफॉर्म हो, जैसे आप न्यूज़पेपर में ऐड देखते हो, रेडियो में ऐड देखते हो, टेलीविज़न में ऐड देखते हो, मोबाइल फ़ोन में ऐड देखते हो, वेबसाइट में ऐड देखते हो, तो डिजिटल में क्या क्या आ गया, आजकल सोशल मीडिया में भी आने लगा, इंस्टाग्राम में भी आ रहा है, स्नैपचैट में भी आ रहा है, फेसबुक में भी आ रहा है, और अभी काफ़ी और अपना इंडिया डिजिटल हो रहा है। और तो हमें स्कोप मतलब फ्यूचर और इसका स्कोप का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट बंदा ज्वाइन करता है वो खाली नहीं बैठ सकता, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा फील्ड है कि आपको कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है, वरना आपके जो कंपटीशन में बंदे रहते हैं वो आपसे काफ़ी आगे निकल जाते हैं। फ्यूचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आपने देखा रहेगा कितने बैनर लगे रहते हैं, कितने पोस्टर लगे रहते हैं, कितने आप सोचिए पैम्पलेट से लेके और कहीं भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, कहीं भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, वो एक तरह का एडवर्टाइजिंग हो गया और एडवर्टाइजमेंट हुआ। जैसे आप देख सकते हैं ओप्पो और वीवो ने इतना एडवर्टाइजमेंट किया कि काफ़ी उनके फ़ोन एडवर्टाइजमेंट के वजह से बिके, तब की वो फ़ोन इतने खास भी नहीं थे, वो थोड़े महंगे थे, तो भी काफ़ी पब्लिक पीपल लोगों ने वो फ़ोन लिया बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अभी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो जिन्हें एडवर्टाइजमेंट लेना चाहिए। ये एडवर्टाइजमेंट ऐसा फील्ड नहीं है कि आए और कहीं भी चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट फील्ड में एक परफेक्ट बंदा ऐसा चाहिए जिसके पास क्रिएटिविटी हो, कम्युनिकेशन की बेस्ट स्किल हो, और जो बंदा एकदम अट्रैक्ट कर सके पीपल को अपने आइडियाज़ से, अपने क्रिएटिव आइडिया से। अभी आप देखोगे स्विगी जोमेटो इमोशनल करते तो काफ़ी मतलब इमोशनल ऐड आते, हैप्पीनेस ऐड आते, काफ़ी ऐसे ऐड आते हैं उनसे फूड से रिलेटेड ऐड, ताकि हम ऑर्डर करना रहेगा तो हम स्विगी से कर लेते हैं। तो वही बात बताना चाहता हूँ कि जिसके पास क्रिएटिव आइडिया और जिसका दिमाग एकदम आर्ट में और क्रिएटिव बहुत हो, वही पब्लिक एडवर्टाइजमेंट ज्वाइन करे, और जो बंदे के पास क्रिएटिविटी नहीं है तो वो एडवर्टाइजमेंट फील्ड ना ज्वाइन करे। क्योंकि आपको इसमें डिग्री लेके कुछ मतलब नहीं, जब तक कंपनी आपका डिग्री देख के आपको इतना नहीं देगी, क्योंकि जब तक कंपनी आपका फिजिकल वर्क प्रैक्टिकल वर्क नहीं देखेगी तब तक कंपनी आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएगी। सो जिसके पास क्रिएटिव आइडियाज़ हैं तो वो पीपल एडवर्टाइजमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप और हमारे चैनल में करियर गाइडेंस के और दूसरे कोर्सेज़ के वीडियोस आ रहे हैं। आपको कौन से कोर्सेज़ के वीडियो चाहिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।